मेरे को सुनने सुनने में आई कि ऐसा कुछ वो ट्रैक्टर वगैरह स्टंट बनाते थे, वो कुछ करते थे। दोस्तों सोशल मीडिया पर यार ट्रैक्टर स्टंट का वीडियो काफी तेज से वायरल हो रहा है। दोस्तों इस वीडियो में एक बंदा दिख रहा है जिनका नाम है निशु देसवाल। दोस्तों इस स्टंट के दौरान ही इस बंदे के साथ बहुत ही भयानक हादसा हो गया एंड इनकी मृत्यु हो गई। एंड दोस्तों हादसे के दौरान यह लाइव वीडियो चल रही थी, जिसके बाद दोस्तों काफी लोगों का इस पर रिएक्शन आया एंड एल्विश यादव का भी इस पर रिएक्शन आया है। तो देखिए एल्विश यादव निशु देसवाल भाई के बारे में बात करते हुए क्या कुछ बोला। कमेंट्स पढ़ रहा था, मेरे को इस चीज के बारे में आइडिया नहीं था कि क्या चल रहा है यूट्यूब कम्युनिटी में और लाइफ में, क्योंकि शूट वगैरह में काफी टाइम से मैं बिजी चल रहा हूँ। तो हमारे एक भाई थे निशु देसवाल, सुनी भाई आपने न्यूज भाई की? जो ट्रैक्टर कर रहे थे हाँ, उनके भाई हमारे नहीं है हमारे बीच में, तो मतलब मेरे को सुनने सुनने में आई कि ऐसा कुछ वो ट्रैक्टर वगैरह स्टंट बनाते थे, वो कुछ करते थे ना, तो बहुत बुरा हुआ और भाई को श्रद्धांजलि हमारी तरफ से। मैं बल्कि अभी वो वीडियो देखूंगा जो मतलब वीडियो भी है कोई उसकी ना ट्रैक्टर की। हाँ हाँ वो मैंने देखी फेसबुक पे। क्या है उस वीडियो में? उसमें स्पीकर जो उसके पीछे लगे थे ना, वो ट्रैक्टर का जो आगे का इंजन होता है वेट स्टीयरिंग का, वो यहाँ पर घस गया और वो एकदम से पूरे वो बीच में ऐसे फंस गए बिल्कुल एकदम। भाई तो देखी भी ना जाएगी। स्पीकर और स्टीयरिंग के बीच में दोनों दब गए ऐसे करके। अरे नहीं यार बहुत गलत, ये छाती के ऊपर दब पूरा एकदम पिचक गया पूरा। मैंने देखी वीडियो, लाइव वीडियो है भाई, ये तो ना देखी जाएगी भाई। भगवान भाई की आत्मा को शांति दे। और भाई हमारे YouTube कम्युनिटी से ही थे, ब्लॉग बनाते थे, वो पता लगी अभी, बहुत बुरा हुआ भाई। दोस्तों मैं तो इनको नहीं जानता था, मैंने भी इनकी वीडियो पहली बार देखी एंड दोस्तों मुझे पता चला कि इनकी शादी हो चुकी है एंड इनका एक बच्चा है, तो भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। तो दोस्तों ऐसे ही YouTube कम्युनिटी से रिलेटेड कोई भी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को कर सकते हो सब्सक्राइब।